अच्छा सुनो भाई लोग, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी जरूर बजा देना। मेरी वीडियो जब ऑनलाइन आए ना तो आपके भी फोन की घंटी बज जाए। हेलो दोस्तों, टेक्निकल मेडी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों स्वामी की तरफ से जो है प्ले सीरीज का पहला डिवाइस लॉन्च किया गया, जो कि आपको स्वामी का मी प्ले। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहिए, आज मैं आपसे इसी फोन के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले जो है मैं इस फोन की मेन हाईलाइट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियोज में भी जो है सबसे पहले फोन की हाईलाइट्स के बारे में बात कर लेता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगी फोन में जो क्या आपको मुख्य नया चीज देखने को मिलता है। इस फोन में जो आपको वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है, इसका मतलब आपको फोन के डिस्प्ले के ऊपर जो छोटा सा नॉच वाला आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। नॉच आपको बड़ा वाला iPhone 10 या iPhone 10s या फिर उस तरह का आपको नॉच देखने को नहीं मिल जाएगा। दूसरा चीज आपको इस फोन में जो है आपको पीछे की तरफ जो है ग्रेडियंट फिंस डिजाइन देखने को आपको मिल जा रहा है। उसके बाद इस फोन में जो आपको स्वामी ने 3 कलर अवेलेबल किए हैं आपको, सबसे पहले जो ब्लैक, उसके बाद दोस्तों ड्रीम ब्लू, और उसके बाद जो है आपको टू लाइट गोल्ड कलर। अभी फिलहाल इस 3 कलर में ही आपको फोन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप बात कर लेते हैं इस फोन की जो है स्पेक्स के बारे में, आपको क्या स्पेक्स देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, आपको 8.1 का ओयो का ही ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है। MIUI 10 इस फोन के साथ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको स्वामी का जो है UI वर्जन सबसे लेटेस्ट वर्जन MIUI 10 है। उसके बाद दोस्तों इस फोन की डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा डिस्प्ले मिल जाता है 5.84 इंच का फुल HD+ वाला रिजोल्यूशन। ये काफी अच्छा है क्योंकि बजट प्राइस रेंज में जो आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिल रहा है, तो ये स्वामी की तरफ से जो है अच्छा कोशिश किया गया है। उसके बाद डिस्प्ले रिजोल्यूशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको 1080x2280p का डिस्प्ले रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। अब दूसरा चीज है दोस्तों, बात करते हैं इस फोन की एस्पेक्ट रेशियो के बारे में। स्वामी जो है बजट सेगमेंट में जो है जहां तक 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो वाला स्क्रीन दे रहा था, इस फोन में आपको बदलाव करते हुए 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो वाला आपको स्क्रीन दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। ये सब अभी मैं पॉजिटिव फैक्टर बता रहा हूँ इस फोन के बारे में, तो आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद दोस्तों प्रोसेसर के बारे में बात करें, तो प्रोसेसर के बारे में जो बहुत सारे जो है अफवाह निकल रहे थे कि स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर देगा, लेकिन स्वामी ने यहाँ पे आपको मीडियाटेक का हीलियो P35 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दे रहा है, जो कि आपको जो है मतलब ये अफवाह में झूठ निकला, और यहाँ पे इस फोन के लिए आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर इस्तेमाल नहीं किया जाए। लेकिन आपको ये जो हीलियो का P35 प्रोसेसर है, ये काफी अच्छा प्रोसेसर है, बजट सेगमेंट में जो है ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है अदर फोन में, जैसा कि हमने देखा है मार्केट में। उसके बाद ग्राफिक्स के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको IMG GE8320 का GPU लगा हुआ है, जो कि गेमिंग के लिए आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देगा ये फोन आपको स्वामी का मी प्ले। उसके दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज जो है कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है दोस्तों पीछे की तरफ तो 2 कैमरा सेटअप, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्राइमरी लेंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का मिल रहा है, जिसकी अपर्चर जो है F2.2 है, और सेकेंडरी लेंस जो आपको 2 मेगापिक्सल का है, जिसकी मदद से जो आप एक बहुत वाइड एंगल फोटो क्लिक कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आपको सबसे खास चीज जो 2.2 का अपर्चर दिया गया है, जिसकी मदद से जो आपको फोटो में डिटेलिंग काफी अच्छी आएगी, और उसके बाद जो क्लेरेशन बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे अपर्चर में जो है इस बजट रेंज में जो है थोड़ा सा आपको सुधार किया गया है। उसके बाद दोस्तों सेल्फी के लिए जो है आपको केवल 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया, जो कि आपको ठीक ठाक है, सेल्फी कैमरा जो है उससे है ना जहां तक मेरा मानना है कि कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। उसके दोस्तों यहाँ पर जो है स्टोरेज के बारे में हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको जो है स्टार्टिंग स्टोरेज वेरिएंट जो है आपको 4GB और 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। उसके बाद जो आपको अप टू 256GB का जो है आप एक्सपेंड कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड के जरिए। उसके दोस्तों कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो आपको सबसे पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगी कि है ना बजट रेंज में जो आपको USB Type-C का जो है आपको है ना पोर्ट दिया गया है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं 4G UltiMedia GPS AGPS, ये सारे कनेक्टिविटी इस फोन के साथ मिल जाते हैं, और 3.5mm का हेडफोन जैक भी इस फोन में प्रेजेंट है, जो कि काफी अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है सेंसर्स के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको जो है सारे सेंसर्स मिल जाते हैं, एक्सेलेरोमीटर, लाइट एम्बिएंट सेंसर, उसके बाद जो है आपको जियो मैग्नेटिक और उसका जायरोस्कोपिक सेंसर, जो कि आपको यहाँ सारे सेंसर्स का मजा इस फोन के साथ आप ले सकते हैं। दोस्तों फिंगरप्रिंट भी आपको सिक्योरिटी के लिए पीछे की तरफ दिया गया है, और याद रहे कि आपको इस फोन में जो है फेस अनलॉक का भी सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद बैटरी पे जो है यहाँ पे स्वामी ने कंप्रोमाइज किया, रिमार्क्स निकल रहे थे कि आपको 2900mAh का बैटरी मिलेगा, लेकिन 100mAh का बैटरी बढ़ा के यहाँ पर आपको 3000mAh का बैटरी कैपेसिटी दिया गया है। हाँ, हीलियो का P35 प्रोसेसर इस फोन में इस्तेमाल किया गया, बैटरी एफिशियंट हम कहेंगे लेकिन उतना एफिशियंट नहीं कहेंगे जो कि होना चाहिए, क्योंकि अगर स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया था तो बेसिक हम मान सकते थे कि बैटरी परफॉर्मेंस जो है थोड़ा और बेहतर होता, लेकिन यहाँ पर जो है आपको प्राइस जो है थोड़ा बढ़ जाता, इसलिए जो है स्वामी ने यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए हीलियो का P35 प्रोसेसर इस्तेमाल किया, और साथ में जो है बैटरी का एमएच कम कर दिया है। उसके दोस्तों प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, तो प्राइस जो है आपको अकॉर्डिंग टू चाइना प्राइस आपको यहाँ पे इंडिया में जो प्राइस होगा आपको
11,100 रुपए हो सकता है। हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि इस फोन का जो है प्राइस क्या हो सकता है और मे भी जो ये फोन आपको जनवरी के महीने से इंडिया में भी आपको मिलना शुरू हो जाए। तो बस इस फोन के बारे में जो यही जानकारी हमें निकलकर सामने है जो कि मैं आपके सामने रख दिया हूँ। पॉजिटिव फैक्टर और निगेटिव फैक्टर जो है आपको इस वीडियो के साथ साथ जो है मैं आपको बता दिया हूँ कि कहाँ कहाँ जो आपको पॉजिटिव चीज देखने को मिल रही है और निगेटिव चीज देखने को मिल रही है। प्राइस जो यहाँ पे सबसे परफेक्ट है जो कि बाकी जो है ना फोन का जो ये फोन जो है कंपटीटर बन सकता है। अभी 2018 खत्म हो रहा है तो मैं यहाँ पर जो है ज्यादा इस फोन के बारे में कुछ बताना नहीं चाहूंगा। हाँ, बजट प्राइस रेंज में जो आपको 2019 में जो और फोन को जो है अच्छी खासी टक्कर दे सकती है, लेकिन कैमरा जो है यहाँ पे सेल्फी के लिए जो है वो थोड़ा सा मुझे जो है निराश कर रहा है। तो बस दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे मैं अब खत्म करता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। और हाँ दोस्तों, एक चीज बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कल जो है मैं इस चैनल पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, तो आपको जो है मेरे वीडियो के साथ बने रहना होगा और अपडेट रहना होगा। तो बस दोस्तों, और दूसरा चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नहीं आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए, ये कभी मत कीजिएगा, ये हमेशा कीजिएगा। और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए इस चैनल के साथ और बने रहिए आपकी ही अपने टेक्निकल एबिलिटी फैमिली के साथ।